मीरा रोड के पेनकर पाड़ा स्थित पारस हॉल में आज विनोद घोसाड़कर ने आकर शिव सैनिकों को मार्गदर्शन दिया है। विनोद घोसाड़कर से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष अरुण कदम भी आए थे, जो इस वक्त हमारे साथ में हैं। हम उनसे कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अरुण भाई, क्या कहेंगे आप आज यहाँ पर जो शिवसेना की जो मीटिंग थी वहाँ पर आप आए थे, क्या समझा जाए इसे? यहाँ शिवसेना की मीटिंग उद्धव ठाकरे साहब और शिवसेना के समर्थन में मीरा भाईंदर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और उनका जोश और होश देख के ऐसा लगता नहीं कि जो बागी हम MLA मीरा भाईंदर से जो बगावत करके शिंदे साहब के खेमे में गए हैं, लेकिन उसका कोई भी असर ये मीरा भाईंदर के शिवसेना पक्ष पे हुआ नहीं है। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबका प्यार और साथ उद्धव साहब के साथ है। अरुण भाई, यहाँ पर देखा गया कि नगर सेवक बड़ी तादाद में थे, जबकि दो तीन नगर सेवक पूर्वेश सरनाइक, जिन्होंने 7 बजे मीटिंग रखी थी MLA प्रताप सरनाइक के कार्यालय में, वहाँ पर भी कुछ नगर सेवक दिखाई थे। तो क्या ये माना जाए कि शिवसेना मीरा भाईंदर शहर में भी दो धड़ों में बढ़ चुकी है? कुछ नगर सेवक जो ज़्यादा नगर सेवक यहाँ थे इस मीटिंग में, पारस हॉल की मीटिंग में, और कुछ नगर सेवक वहाँ की मीटिंग में थे। मेरे मालूमात के हिसाब से ज़्यादातर नगर सेवक उद्धव साहब के साथ, घोसाड़कर साहब ने जो मीटिंग ली उनके साथ थे। एक दो नगर सेवक है वो शायद वो मीटिंग में हो सकते हैं, लेकिन उनको कुछ गुमराह किया गया होगा इस वजह से, और कुछ नहीं तो कुछ लालच में उन लोग वहाँ गए होंगे। लेकिन ज़्यादातर नगर सेवक और पदाधिकारी कार्यकर्ता ये शिवसेना के साथ उद्धव साहब के साथ है। अरुण भाई, कैसा आप देखते हैं कि इस तरह से जो शिवसेना एक बहुत पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, आज सरकार में उनके पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री है, और अब वो शिवसेना को उस शिवसेना के ही नेताओं ने दगा दिया है, गद्दारी की है और उन्होंने ही तकलीफ में लाए हैं, तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसा देखते हैं जो इस वक्त जो हालात बने हुए उनको? अभी कैसा है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने के लिए जब एक गवर्नमेंट बनी महाविकास आघाड़ी की, उसी पहले दिन से ही वो कोशिशें कर रही थी सरकार गिराने में। अभी ये शिंदे साहब के माध्यम से शायद उन्होंने कामयाब, उन्हें लगता होगा वो होंगे, तो उन लोग कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन जो आमदार जिन्होंने बगावत करके शिवसेना छोड़ के जो सामने खेमे गए वो गलत है, और वो लालच में प्रलोभन में उन लोग गए हैं। अरुण भाई, ये जब बागी नगर MLA जब वापस आएंगे अपने मतदार संघ में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब कभी भी, चाहे उन्हें 1 महीना लगे या उन्हें 1 साल लगे या 1 हफ्ता लगे, वो जब कभी आएंगे तो कैसा सामना कर पाएंगे और क्या उन्हें वही प्यार वही समर्थन मिल पाएगा देखते आप, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अगर आज वो आमदार है, MLA है, जो भी है, लेकिन उनको चुन के दिया है वहाँ के शिवसेना के कार्यकर्ता और वहाँ के मतदारों ने, और वो मतदार आज उनके साथ नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, तो कार्यकर्ता को जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो ये और जो आज माहौल पूरे महाराष्ट्र में है वो बहुत ही गर्म है, और शिवसेना की तेवर बहुत ही सख्त है, तो शायद उनके गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ेगा। अरुण भाई, आने वाले जो कुछ महीने बाकी है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव है, और अब तक जैसे तय था कि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस आपस में मिलकर ये चुनाव लड़ेगी BJP को रोकने के लिए, अब इसमें कितना फर्क आएगा, कितनी तब्दीली आएगी जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इसे आप आने वाले 2-3 महीनों में कैसा देखते हैं? जो महाविकास आघाड़ी आज है, आने वाले महापालिका के इलेक्शन तक भी वो बरकरार रहेगी, और MLA गए हैं लेकिन कार्यकर्ता तो साथ में ही है, पार्टी के साथ में ही है, तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन लगता नहीं आपको कि काफ़ी कमज़ोर भी हो जाएगी, क्योंकि एक MLA और एक पालक मंत्री अगर पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो अकेले तो नहीं जाएंगे, या उनके ऊपर अगर पार्टी किसी प्रकार की कार्रवाई करती है तो वो पहले जैसी जो बात थी शिवसेना की वो और कमज़ोर हो जाएगी? देखिए, बाकी के जगह मुझे पता नहीं, लेकिन आज मीरा भाईंदर में
आज आप देखोगे तो आज यहाँ का जो माहौल देखा होगा तो आज पूरी मीरा भाईंदर की शिवसेना आज उद्धव साहब के साथ है, तो उसे क्या वो तो ताकत के साथ लड़ेंगे। इस बीच में आपकी किसी की नेता से बात हुई थी शिवसेना के कि क्या चल रहा है और क्या उसका नतीजा आ सकता है? नहीं नहीं, शिवसेना मैं पर्सनली किसी से बात किया नहीं हूँ, लेकिन आज सोशल मीडिया है, टीवी है, माध्यम है, कार्यकर्ताओं से बातें होती रहती है तो और अपने को आकलन तो हो जाता है ना कि क्या चल रहा है। तो अभी जो होगा वो सीनियरी अभी अगले हफ्ते में जो भी है सामने आ जाएगा और उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका सामना करने के लिए शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस तीनों एक साथ डट के उसका मुकाबला कर रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि शिवसेना के इस इम्तिहान की घड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके साथ में, ये इम्तिहान की घड़ी में राष्ट्रवादी पार्टी पूरी तरह से, शरद पवार साहब पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता शिवसेना के साथ, उद्धव साहब के साथ पूरे डट के खड़े हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा अरुण भाई कि जिस तरह से MLA प्रताप सरनाईक आज बगावत करके शिंदे खेमे में चले गए हैं, तो क्या ये वो ED का असर है जिसके चलते उन्हें कई मरतबा तलब किया गया, जिसके चलते वो काफ़ी दिनों तक जो फ्लाइट मोड पर रहे, लोगों के सामने नहीं आते रहे, काफ़ी मुश्किलों से गुजरे, उनके घर वालों को भी ED ने कई मरतबा तलब किया था, उससे बचने के लिए, उस कार्रवाई से बचने के लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा, ऐसा आप मानते हैं? वो खाली प्रताप सरनाईक साहब ही नहीं, ऐसे कई MLA है, कितने नेता है, वो खाली ED के इनकम टैक्स और सब ऐसे सरकारी इंक्वायरी के वजह से डर के मारे ही वहाँ पर गए हैं। मतलब ये बात आप भी मानते हैं, राष्ट्रवादी भी मानते हैं कि ED की कार्रवाई से बचने के लिए या अन्य जो जांच एजेंसी की कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है? ये बात सही है, अन्य जांच एजेंसी ED है, सभी एजेंसी से बचने के लिए ही उन्होंने BJP का दामन थामा है और शिवसेना से बगावत की है। इन नेताओं का जिन्होंने बगावत की, उनका आप भविष्य कैसा देखते हैं, उनका फ्यूचर, आप पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा देखते हैं? देखिए पॉलिटिकल फ्यूचर यह है कि आखिर उनके वापस उनको चुनाव लड़ना है और चुनाव तो वोट तो पब्लिक देती है और उनके लिए जो कार्यकर्ता ने मेहनत की है उनके सामना करना, उनका भी विरोध करना पड़ेगा, उनके विरोध को सामना करना पड़ेगा और शायद उनको चुनाव लड़ना और जीत के आना बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये माना जाए कि उनका ये पॉलिटिकल सुसाइड है? वैसा ही मानना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल सुसाइड है, क्योंकि आज MLA गए हैं, कार्यकर्ता तो जगह पे ही है, इसीलिए वो उनको आने वाली चुनाव को बहुत ही कड़ा सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कदम, जो बता रहे हैं कि शिवसेना के इस संकट के समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके कंधे से कंधा लगा के खड़ी हुई है, उनके साथ में खड़ी हुई है और आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव हैं उस चुनाव में जो कि पहले से तय था, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ये साथ मिलकर लड़ेगी, तो आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मानना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कदम का। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।